चुनाव की है हर तरफ चर्चा, क्या कहता है नेता का पर्चा, किसकी लगेगी हार की लंका, किसका बजेगा जीत का डंका, पब्लिक ही करेगी भ्रम सारे दूर, आइए देखें क्या है जनता का मूड, सिर्फ एसटीवी पर। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है, चारों तरफ एक ही चर्चा है चुनाव की। जी हां, इस समय हम खड़े हैं अलवर जिले की किशनगढ़ बास विधानसभा पर, जहां हम जानेंगे क्या है जनता का मूड, क्योंकि यहां के जो विधायक हैं दीपचंद खैरिया हैं, जो बसपा से चुनाव जीते थे और कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन 5 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या काम कराया, क्या वो स्थानीय जनता को कितना काम से संतुष्ट कर पाए, इन सब बातों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में। जानते हैं जनता का मूड। सिर्फ यही एक उपलब्धि रही है, बाकी विकास के नाम पर 15 सालों से जो हालात है वो बद से बदतर हो गए हैं जी, है ना। यहाँ पर अब ये है कि सरकार है, सरकार कल बदल जाएगी। ये 2 महीने अगर फायदा किसी को दे भी दिया या 1 महीने दे दिया, उससे कोई लेना देना कुछ नहीं। ठीक बात है। तो यूँ करके इनके काम में कोई ऐसा जैसे पानी का, बिजली का या सड़कों का कोई वैसा विकास नहीं, नहीं, नहीं। क्या काम कराया? सारा काम देख, जिलों बना दियो, ठीक है, कॉलेज बना दियो, फिर भी आप वोट नहीं दोगे उसको है? वो दल बदल हुए ने, इसलिए की बार शायद दोबारा दुनिया उसको रिपीट करेगी, बनेंगे दोबारा भी, तो दोबारा चुनाव लड़ेंगे। वो तो शायद पिछली बार कह रहे थे कि मेरा आखिरी चुनाव है ये वाला। नहीं सर, ऐसा वो तो लड़ेंगे चुनाव तो कंफर्म। राजनीति से प्रेम छूटता नहीं है। बिल्कुल 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 सही। अब दोबारा वो चुनाव लड़ेंगे और आप लोग फिर उनका समर्थन, उनके समर्थन में हैं पक्का सर जी। अलवर जिले की किशनगढ़ बास विधानसभा पर हम पहुंचे हुए हैं, यहां पर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों का मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, जनता का मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में आखिर जनता का क्या रुख रहने वाला है। यहां पर हमारे सहयोगी हैं सूरज जी, हम उनसे चर्चा सबसे पहले करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आपके किशनगढ़ बास विधानसभा के लिए? किशनगढ़ बास विधानसभा में कि इस 5 सालों में जो विकास के कार्य हुए हैं, तो वो एक ऐसे ऐसे आवाम आयाम का स्थापित किए हैं कि जिनका कोई सानिध्य नहीं रहा। पहले साल खराब हुए उनकी सबकी भरपाई हो गई, क्योंकि उससे पहले कभी बाबू संपत राम जी हुआ करते थे यहाँ पर, जो पूर्व गृह मिनिस्टर थे, उनके समय पर यहाँ विकास हुआ। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इसकी विधानसभा बदली, खैतल विधानसभा जो रिजर्व थी वो जर्नल हुई, उसका हेडक्वार्टर किशनगढ़ बास किया गया जी। लेकिन उसके बाद फर्स्ट में यहाँ पर जो पहली चुनाव हुए विधानसभा किशनगढ़ बास के, तो वहाँ भाजपा के विधायक चुने गए। उसके बाद दूसरी बार भी भाजपा के विधायक चुने गए। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी मुसीबत है किशनगढ़ कस्बे की, यहाँ पर जो विकास कार्य हैं, यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो इसको कहें तो समस्या है, उसका किसी ने आज तक कोई जो है समाधान नहीं हुआ, ना ही किसी ने उस पर विचार किया। जैसे कि अभी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि जरा सी बरसात हो जाती है तो किशनगढ़ डूबने की स्थिति में हो जाता है। पानी निकासी का कोई यहाँ पर साधन नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई प्रयास किया गया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने क्या किया, अपना बस टाइम पास किया और अब चले गए दूसरे आगे। अभी विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं, उनसे भी बहुत अपेक्षाएं थी कि इसका कुछ सलूशन होगा, लेकिन उनके भी पूरे 5 साल हो गए। लेकिन सिर्फ उनकी उपलब्धि ये कही जाएगी जिला बनवा, उन्होंने सिर्फ एक जिला बनवाया, तो उससे ये लगा कि अब यहाँ पर विकास के कुछ आयाम स्थापित होंगे और किसी विशेष रूप से जो अपने कार्यालय हैं उनकी ऐसी जो है मांग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ऑटोमेटिकली जिले के साथ साथ यहाँ आ जाएंगे। सिर्फ यही एक उपलब्धि रही है, बाकी विकास के नाम पर 15 सालों से जो हालात है वो बद से बदतर हो गए हैं जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो मुख्य रूप से एक जिला बना है, जिला एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, लेकिन एक परिपाटी चली आ रही है राजस्थान में, 5 साल बाद सरकार बदलती है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्या इस बार लगता है गहलोत सरकार की जो योजनाएं चल रही है उससे सरकार रिपीट हो सकती है? संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता जी।
तो आप ऐसा उम्मीद करते हैं कि रिपीट भी हो सकती है? एक बार आप उधर कैमरा घुमा दीजिए। जी मैं घुमा चुका, अभी हम आपसे जानना चाहते हैं। रिपीट कर सकती है लेकिन लोगों का मन है जी, अब कोई घटना ऐसी घट जाए कि लोगों का मन चेंज हो जाए तो ये चीज भी डिपेंड करेगा, अभी चुनाव बहुत दूर है। मौजूदा स्थिति में आप कह सकते हैं? हाँ मौजूदा स्थिति में, वर्तमान में किशनगढ़ में जो वर्तमान विधायक है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं जी। तो फिर भी आप ऐसा लगता है कि वर्तमान जो विधायक है ये रिपीट होने के पूरे चांस हैं इनके? हाँ अभी तो वर्तमान, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये बसपा से चुनाव जीते थे और फिर कांग्रेस में चले गए थे, कहीं उस तबके को नाराजगी नहीं हो? नाराजगी तो है और नाराजगी सामने चुनाव तक हो सकता है आ भी सकते। मैंने कहा कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाए जो उन लोगों को ये चीज़ें अंदर अंदर कमी की खली जो जो चीज़ उन्होंने की है, पार्टी बदली है, वो चीज़ खलने लग जाए तो हो सकता है वोट ना मिले जी, वो वोट वापस बसपा को चला जाए और इन वर्तमान विधायक को बहुत बड़ा धक्का लगे। देखिए यहाँ लोगों का कहना है, किशनगढ़ बास के लोगों से हम बात करने का प्रयास कर रहे थे, उनका यह कहना है फिलहाल अगर हम स्थानीय विधायक दीपचंद खैरिया की बात करें तो वो एक मजबूत स्थिति में सिर्फ इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसको जिला बनवाने में एक सफलता हासिल की है। इसके अलावा जो मुख्य मुद्दों की बात आ रही थी, यहाँ पर स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि आज तक यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। किशनगढ़ बास बरसात के दिनों में ऐसा हो जाता है जैसे किसी टापू की स्थिति हो जाती है, पूरा शहर, पूरा बाजार, पूरा कस्बा पानी से लबालब हो जाता है। पानी निकासी का साधन ना होने के चलते यहाँ लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, किशनगढ़ बास विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, हम जानना चाहेंगे आपके विधायक कौन है यहाँ पर? दीपचंद खैरिया जी। जी कैसा उनका कार्यकाल? कार्यकाल तो अच्छा रहा उनका, कुल मिला के ठीक रहा। क्या विशेष बात? विशेष बात तो ये खैरतल जो जिला दिया है सबसे विशेष योगदान खैरतल का है, जो जिला कलेक्ट्रेट भी, SP, RTO और लास्ट में नगर परिषद और दे दिया जी, नगर पालिका से नगर परिषद बना दिया, यह बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? इसके अलावा अगर हम बात करें, और बहुत सारे लोग इस बार दावेदार हैं, लाइन में हैं, कोई ऐसा दूसरा नाम आप मानते हैं कि अगर बाई दीवे इनकी जगह दूसरा कौन नाम हो सकता है? देखो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पार्टियों किसका नाम फाइनल करे, क्या करे क्या नहीं करे, पर वैसे खैरिया साहब ने विकास तो अच्छा किया। कहाँ के रहने वाले आप? खेड़ा का। यहाँ कैसे आए थे आज? ये फोन मिल रहे हैं इनकी वजह से आए थे। तो राजस्थान सरकार की तरफ से मोबाइल महिलाओं को दिए जा रहे हैं आज, इसलिए भीड़ है यहाँ पर। यस। तो आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, अभी तो कुछ भी ना, अभी तो लाइन में लग रहा हूँ सुबह रात के, संतुष्ट अभी। अच्छा, योजना तो बहुत सारी चला रखी है योजना तो है, पर यहाँ तो पसीना निखड़ गया है, सुबह रात से खड़ा भूखा पिसाया, नंबर तो पड़ी ना रहे यहाँ, लेकिन नंबर नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा। ये ग्राम पंचायत स्कूल में तो नहीं, और सिस्टम तो और बेस्ट रहे, तो मतलब अलग अलग टुकड़ों में बांट देते तो ज्यादा। हाँ जब बढ़िया है आदमी परेशान नहीं होता है, जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत भोजन वितरण तो सही रहता है, ज्यादा ठीक रहता है। यहाँ पे इतनी भीड़ ना होती, ना जनता परेशान होती इतनी। चलिए हम आपसे यह जानना चाहते हैं आपके स्थानीय विधायक कौन? दीपचंद खैरिया। कैसा है उनका काम? ठीक काम है, बढ़िया ठीक काम है। आगे अगर दोबारा वो चुनाव में उतरते हैं या दूसरा किसी को पसंद करोगे आप? अब तो दीपचंद खैरी है, हमारा गांव तो पूरा ही सपोर्ट में दीपचंद खैरी, दीपचंद खैरिया के समर्थक भी सबने सपोर्ट करो बढ़िया तरीका, पूरा एक से एक वोट। क्या अच्छी बात क्या लगती है उनमें? अच्छी बात है, मन में जच रहा है और अच्छी बात है, ऐसे अच्छा, क्यों मन से अच्छे लगते हैं आपको, इसलिए आप उनका समर्थन करते हैं? समर्थन है, पूरा गाँव का है हमारा, क्या पूरा गाँव बताया? खेड़ा गुजर। चलिए और भी लोग हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से हैं आप लोग? बाजोट। बाजोट से? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप, अपने क्षेत्र के कुछ विकास कार्य हुए? हाँ जी हुए ने। क्या काम कराए उन्होंने आपके लिए? काम तो सारा अच्छा ही कराए सर। अच्छा हम आपसे ये पूछ रहे हैं, गहलोत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जो चलाई हैं उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है? अभी तो मिला नहीं सर, अब मिल जाएगा सर, उम्मीद है। हाँ उम्मीद है। अच्छा तो अभी मौजूदा सरकार में आपको लगता है सरकार दोबारा आएगी कांग्रेस की? हाँ लग सकता है, लगता है ऐसा। चलिए एक बुजुर्ग महिला है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मां जी कहाँ से आए हो आप? मैं खेड़ा से आई। खेड़ा से आए हो, किस लिए आए हो आज यहाँ पर? फोन खाता। अच्छा आपको मोबाइल फ्री मिल रहा है सरकार की तरफ से? हाँ। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर आकर के? भीड़ है। भीड़ तो है कि फिर तड़के मिलेगा? मिलेगा उम्मीद है। अच्छा हम जावा तो वो फोन ना लेकर। तो आपके जो यहाँ के नेता हैं दीपचंद खैरिया कैसे हैं, कैसा काम कर रहे हैं वो? हम कर रहा है स्कूल में काम, ठीक कर रहे हैं वो। हाँ। तो आप संतुष्ट हैं उनसे? हाँ। अलवर जिले के किशनगढ़ बास विधानसभा पर हम पहुंचे हैं जहां पर यहां के स्थानीय विधायक दीपचंद खैरिया हैं जो बसपा से चुनाव जीते थे लेकिन कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब वो अपनी जनता के लिए क्या कर पाए, पिछले 5 साल में उनका कार्यकाल कैसा रहा, यह सब जानने के लिए हम कुछ लोगों से यहां पर बात करेंगे। सर आप कहां से हैं?
सर, आप सर? मेरा गांव खेड़ा है। खेड़ा है, हाँ जी। हम आपसे ये जानने के लिए आए हैं किशनगढ़ से, जो आपके विधायक हैं, आप उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हो? सर बहुत संतुष्ट हैं, बहुत काम किया है विधायक साहब ने। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया काम किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि जिला बनवा दिया। जिला बनवा दिया सर, हाँ। और बाकी सड़क वड़क भी अच्छी बनवाई है, काम किया है विधायक साहब ने अच्छा। और अब की बार शायद दोबारा दुनिया उसको रिपीट करेगी, बनेंगे दोबारा भी। तो दोबारा चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी। वो तो शायद पिछली बार कह रहे थे कि मेरा आखिरी चुनाव है ये वाला। नहीं सर, ऐसा वो तो लड़ेंगे चुनाव तो। अच्छा, अच्छा। कंफर्म। राजनीति से प्रेम छूटता नहीं है। बिल्कुल 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 सही। अब दोबारा वो चुनाव लड़ेंगे और आप लोग फिर उनका समर्थन, उनके समर्थन में हैं। देखो जी, ये जिला बनना से बहुत ज़्यादा हुए, कोई स्कूल सड़क खूब बनवाई है इसने, बड़ा काम तो खूब करा है, लेकिन थोड़ा सा जो ये पीए बैठना वाला, ये थोड़ा सा नाराज है इससे। अच्छा। क्योंकि वो उनका पर्सनल काम कम करा। और यहाँ से अगर हम ये बात करें, क्योंकि राजस्थान सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, ऐसा हाँ। लगता है आपको उन योजनाओं के दम पे राजस्थान में सरकार रिपीट हो जाएगी दोबारा? बिल्कुल होगी, पूरी संभावना है। बिल्कुल 100%। अब सर अभी ये तो छोटी मोटी तो मतलब ना करी तो नहीं कर, नहीं तो वैसे ठीक है, मतलब कुल मिला के काम तो खूब करा है छोटी मोटी, वही जाती है। अब ये तो सबका ही तो मतलब ये इतना काम ना हुए अब इतना। मुख्य रूप से आप सरकार से कितने संतुष्ट है, राजस्थान सरकार की अगर बात? बढ़िया संतुष्ट है, बहुत बहुत बढ़िया सर, मतलब हम लोग सारी सुविधा बिजली की उजली की मतलब सब सुविधा दिया, मतलब बढ़िया हुए, मतलब हमने तो जो हम किसान रोल पे मतलब बढ़िया काम है। संभावना है सरकार हो सके, हो संभावना है पक्की पक्की। तो रिकॉर्ड तोड़ोगे इस बार? हाँ बिल्कुल तोड़ेंगे। कुछ और बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ में, हम आपसे जानना चाहेंगे सर किशनगढ़ वास में क्या कहना चाहेंगे, कितने विधायक से संतुष्ट हो पाए आप? सबसे खुश है, मायावती सरकार बनेगी। मायावती सरकार बनेगी, आपके सरकार के विधायक तो सरकार छोड़ करके चले गए थे, जो वहाँ चले गए दीपचंद खैरिया जी आपकी पार्टी से जीते थे। अब ये हमारा फर्ज है आपको जिताने, आप ढुलक जाओ तो हमारा बस की बात नहीं। तो आपको नाराजगी नहीं है ना? जाओ कहीं जाओ, उसको छोड़ दे, अब आगे भविष्य में नहीं आएगा। तो अब उनको आप साथ नहीं दोगे, अब दोबारा उतरेंगे मैदान में तो? ना वो आ गई ना कांग्रेस में घुस गए, कांग्रेस में घुस गए। तो अब दूसरा प्रत्याशी आपका कौन आने वाला है? आने वाला है अब ललिता खड़ी एक तो। अच्छा, और भी एक इमरान खान है। हाँ जी। और हमारे यहाँ से भी शायद टिकट के ऊपर है किसको मिले, फिर हम मायावती से मायावती की पार्टी को समर्थन देंगे और जिताएंगे। जिताएंगे, किशनगढ़ में मायावती सरकार रहेगी जी, बीजेपी कांगड़ी खत्म। आपके मौजूदा विधायक ने क्या काम कराया? सारा काम देख, जिलों बना दियो, ठीक है, कॉलेज बना दियो, फिर भी आप वोट नहीं दोगे उसको? है वो दल बदल हुए ना, इसलिए नहीं। किशनगढ़ बास विधानसभा में बहुत सारे लोग हमें मिले जिन्होंने यहाँ पर अपने विधायक के कार्यकाल के बारे में बताया, कोई संतुष्ट है तो कोई नाराज भी नजर आया। कुछ और लोग भी हैं, हम जानना चाहेंगे। हम बात करते हैं किशनगढ़ बास के मौजूदा विधायक के बारे में, या फिर यूं कहें उनके कार्यकाल, उनके विकास कार्यों के बारे में, कितने संतुष्ट हैं? सब इससे कोई हम संतुष्ट ऐसे नहीं हैं कि इन्होंने जो एट ए टाइम आके पिछली दफ़ा इन्होंने कहा कि भाई हम आपका कर्जा माफ़ करेंगे किसानों का जी। उस पर ये बात पे खड़े नहीं उतरे। उसके बाद में इन्होंने जैसे ये अब कहा था कि भाई भैया अब ये फला चीज़ मिलेगी, फला चीज़ मिलेगी, अब उसमें भी अभी कोई मिलने वाली कोई बात हुई नहीं। अब ये कि सरकार है, सरकार कल बदल जाएगी, ये दो महीने अगर फ़ायदा किसी को दे भी दिया या एक महीने दे दिया, उससे कोई लेना देना कुछ नहीं। ठीक बात है। तो यूँ करके इनके काम में कोई ऐसा जैसे पानी का, बिजली का या सड़कों का कोई वैसा विकास नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक उपलब्धि जिला बना दिया। जिला बनाने की उपलब्धि है साहब, लेकिन जिले में भी क्या है कि उसमें क्या है कि वो जो विधायक वो अपने सीएम है ना, उनका था रोल है ज़्यादा कि उन्होंने जिले बनाने थे, उन्होंने जिले बनाए और उसमें हमारा भी नंबर आया। ठीक है। इनसे पूछा गया कि आपके पास जगह बताओ कहाँ, इन्होंने जगह बताई, वो जिला बन गया वहाँ खाते जो है। हाँ जिले तो बनने थे, जिले तो एक डिमांड होती है या सीएम का अपना होता है वो हिसाब के बैठे। अब उसमें तिजारा भी जोड़ दिया गया। हाँ, और ये तिजारे वालों ने डिमांड करी तो उन्होंने तिजारा जोड़ दिया उसे। अब तिजारे वालों को क्या मिला और किशनगढ़ वालों को क्या मिला, अब जो मिला तो उनको खैरतल वालों को मिला। चलिए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर एक पूर्व में भी विधायक थे रामहित यादव, उनकी पोजीशन कैसी थी, क्यों चुनाव हारे होंगे, हमें एक जनरल आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सब उसमें हम आपको ये बताएं कि उसके 5-6 कारण हो गए। सबसे पहला कारण तो ये था कि अहिर अहिर टकरा गए, और वो अहिर टकराया कि जो जिला स्तर का था, एक सांसद था, और दूसरा
उसमें हरिजन वोट सारे काट गए। ठीक है, यहाँ से क्षेत्रीय विधायक जाट आया तो जाट सारे वोट कट गए, गुर्जर एकदम कट गए, कुछ हमदर्दी के वोट मिले, इस कारणों से ही वो हार गया। हालांकि विकास उन्होंने खूब करवाया था, जो वो सड़कें बढ़ा गए इतने, इनसे उनमें पाती भी नहीं लगी। सड़कें खूब होना, विकास बढ़ा जी, विकास उन्होंने खूब किया था। तो आपको लगता है अगर वो सामने फिर मैदान में होंगे तो उम्मीद बन सकती है उनकी? हाँ बिल्कुल उम्मीद है उनकी, हाँ जी, सरकार ही बदलेगी। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, गहलोत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, खास तौर पे लोग इसको चुनावी घोषणाएं भी कह रहे हैं कि इसके दम पे वो दावा करते हैं कि सरकार रिपीट होगी, आपको लगता है? नहीं, ये रिपीट नहीं होगी सर, ये तो सरकार बदलेगी और ये हमारे ये है जो इसका कोई नया चेहरा आना चाहिए जैसे हमने। अच्छा, विधायक का कोई? अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, दीपचंद खैरिया एक बुजुर्ग विधायक हैं, पिछली बार उन्होंने कहा था कि वो आखिरी चुनाव है उनका, लेकिन इस बार फिर वो चुनाव मैदान में है, राजनीतिक प्रेम खड़े हो जाते हैं भाई, आखिरी चुनाव है, फिर खड़े हो जाते हैं आखिरी चुनाव, कोई नया ऐसा कोई चेहरा आना चाहिए, उसको टिकट दिलवाओ जो ऐसा है कि जो क्षेत्र का विकास करे और आगे जो। तो आप लोग क्या उनके विकास के कार्यों से संतुष्ट नहीं है? नहीं, विकास के क्या है कि ये जिला भी लेते, ये जब भी बनते हैं जब भी बनते, इसमें तो कोई जिले के अलावा कोई उपलब्धि नहीं, कोई उपलब्धि ऐसी कोई खास नहीं है जो इसने करवाई हो जी। चलिए हम आपको बता दें कि दीपचंद खैरिया जी हैं जो कांग्रेस से उन्होंने टिकट मांगा था 2018 के चुनाव में, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने बसपा से प्रत्याशी बनकर यह चुनाव लड़ा था। यहाँ पर उन्हें सिंपैथी मिली उम्रदराज होने की वजह से, वो कांग्रेस से बागी होकर यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो बसपा का जो वोट बैंक था वो उन्हें मिला, जो उनका जाट समुदाय था वो उनके साथ जुड़ गया। और वहीं एक और कारण भी जो सामने आ रहे हैं कि भाजपा के जो प्रत्याशी थे रामहित यादव थे यहाँ से, उनके जो हारने की मुख्य वजह यहाँ लोगों से सामने आई है कि यहाँ पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था डॉक्टर करण सिंह यादव को। डॉक्टर करण सिंह यादव सांसद थे और एक मजबूत प्रत्याशी यादव समाज के भी माने जाते हैं, जिसका नुकसान रामहित यादव को हुआ। इन सब कारणों के पीछे रामहित यादव को हार का सामना झेलना पड़ा था और दीपचंद खैरिया यहां से विधायक बने थे। हालांकि दीपचंद खैरिया फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब मौजूदा समय में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस उन्हें ही अपना प्रत्याशी बना सकती है। अब देखने की बात होगी 2023 के इन चुनावों में पार्टी किसको टिकट देती है, किसको दावेदार बनाती है और जनता क्या फैसला करती है, किसको वो अपना विधायक बनाती है, यह जनता पर निर्भर करता है। कैमरामैन अनिल के साथ जुगल किशोर गांधी, अलवर। चुनाव की है हर तरफ चर्चा, क्या कहता है नेता का पर्चा, किसकी लगेगी हार की लंका, किसका बजेगा जीत का डंका, पब्लिक ही करेगी भ्रम सारे दूर, आइए देखें क्या है जनता का मूड, सिर्फ एसटीवी पर।